का घर। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा, हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। और मुझे तो कोई बता रहा था कि विदेश यात्रा का टिकट भी बुक हो गया है। खटाखट खटाखट। साथियों, यूपी में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। पूरी कांग्रेस परिवार की इज्जत बचाने में लगी हुई है, लेकिन फिर भी हर चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी लॉन्च हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस और सपा दोनों की कुंडली मिलती है, सारे गुण मिलते हैं। ये दोनों परिवारवाद को समर्पित है, दोनों भ्रष्टाचार के लिए राजनीति में है, दोनों अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते, दोनों अपराधियों और माफियाओं को बढ़ावा देते हैं, और सपा कांग्रेस दोनों आतंकवादियों की उतनी ही हमदर्द है। इसलिए जब सपा कांग्रेस सत्ता में आती है तो आतंकवादियों को खुली छूट मिल जाती है, और सपा का तो सिद्धांत ही रहा है, उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, उनका तो गवर्नेंस का मॉडल ही था वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया। हर जिलों को ये लोग एक गुंडे माफिया को ठेके पर दे देते हैं, माफिया व्यापारियों से वसूली करते हैं, अपहरण उद्योग शुरू हो जाता है, फिरौती वसूली जाती है, हमारी बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। आप सबने वो दिन देखे हैं, लेकिन जब से हमारे योगी जी, हमारे केशव प्रसाद मौर्य यहां, जब से भाजपा की सरकार आई है, आजकल ये माफिया माफी मांगते घूम रहे हैं, लेकिन सपा का माफिया मोह अभी खत्म नहीं हुआ है। इनके मुखिया माफिया की कब्र पर फातिहा पढ़ते घूम रहे हैं। साथियों, तुष्टीकरण के लोग किसी भी हद को पार कर सकते हैं। कांग्रेस और कश्मीर में अलगाववादियों की जमानत को खाद पानी देती थी, पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करता था, कांग्रेस सरकार उसे क्लीन चीट देती थी, और साथियों ये लोग आतंकवाद का आरोप किस पर लगाते थे? इन्होंने भगवा आतंकवाद के नाम पर एक नया झूठ गढ़ा था। और यूपी में क्या हालात थे? सपा सरकार दंगाइयों की खातिरदारी करती थी, दंगाई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से जाते थे, और सरकार आतंकवाद के आरोपियों से मुकदमे वापस लेती थी। आज ये लोग समाज को बांटने के लिए फिर से जहर घोल रहे हैं। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस को लगता है कि हमारे समाज को तोड़कर
अपना काम बना लेंगे, इसलिए इनके हौसले बढ़ गए हैं। कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर ताला डलवाने का ख्वाब देख रहे हैं। सपा के बड़े नेता कहते हैं राम मंदिर तो बेकार है। इनका गठबंधन देखिए, इनके गठबंधन के लोग कहते हैं कि वे सत्ता में आकर सनातन धर्म का विनाश कर देंगे। आप मुझे बताइए, ये लोग आपके एक भी वोट के हकदार है क्या? इनको एक वोट भी देना चाहिए क्या? इनकी जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? साथियों, सपा सरकार में यूपी अपराध में टॉप पर होता था, लेकिन विकास में यूपी की गिनती पिछड़े प्रदेश के तौर पर होती थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार विकास में टॉप पर बना दिया है उत्तर प्रदेश को। आज यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाले राज्यों में टॉप पर है। आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के मामले में यूपी टॉप पर है। यूपी 7 शहरों में मेट्रो शुरू करके टॉप पर है। यही नहीं, गरीब कल्याण की योजनाओं चलाता हूं, यूपी उनमें भी बेहतर काम कर रहा है। साथियों, जब मैं 2014 में केंद्र सरकार में आया था तो समझा था कि सपा के शहजादे को गरीब के दुख की, उनकी तकलीफों की थोड़ी बहुत समझ होगी। मुलायम सिंह जी के बेटे से मैं इतनी उम्मीद तो करता ही था, लेकिन बहुत ही जल्द सपा के शहजादे से मेरी सारी उम्मीदें टूट गई। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। यहां यूपी से ही हमने गरीबों के लिए पीएम आवास योजना शुरू की थी। ये योजना शुरू होने के बाद देश के तमाम राज्यों में गरीबों के लिए पक्के घर बनाना शुरू हुआ। हमारी सरकार यहां सपा के शहजादे से लिस्ट मांगती रह गई कि यूपी में कितने गरीबों के घर बनने हैं, वो जरा लिस्ट भेजो। लेकिन महलों में रहने वाले इन लोगों ने इन गरीबों के नाम की लिस्ट नहीं भेजी। अगर वो लिस्ट भेजते तो इन गरीबों को पक्के घर मिलते। 2 साल में केंद्र सरकार ने अनेकों बार ये सपा सरकार को चिट्ठियां लिखी, अखिलेश जी को समझाया कि भाई जरा कुछ करो, लेकिन टालते रहे। बहुत मिन्नतें करने पर सपा सरकार में कुछ हजार घर बन पाए। यूपी के गरीब के इस अपमान को मैं किसी तरह बर्दाश्त नहीं करता रहा। मैं जानता था कि ऐसी गरीब विरोधी सरकार को यूपी के लोग उखाड़कर फेंक देंगे, और हुआ भी यही। अब 2017 के बाद से यूपी में, जब से भाजपा सरकार आई है, पीएम आवास योजना के घर तेजी से बनने शुरू हुए हैं। अब तक भाजपा सरकार शहरों में 15 लाख और गांवों में 35 लाख पक्के घर बनाकर गरीबों को दे चुकी है, और जिन्हें अब तक पक्के घर नहीं मिले हैं उन्हें भी मैं गारंटी दे रहा हूं, हर गरीब को पक्का घर मिलेगा, जरूर मिलेगा। साथियों, विकास कैसे होता है, ये फतेहपुर बांदा
और कौशाम्बी के लोग खुद महसूस कर रहे हैं। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में इस क्षेत्र को पिछड़ा कहा जाता था, लेकिन आज आप देखिए कानपुर कोलकाता हाईवे अब 6 लेन का हो रहा है। आज यहां लिंक रोड्स, ओवरब्रिज हो, अमृत रेलवे स्टेशन हो, हर तरफ हो रहा विकास यहां का भाग्य बदल रहा है। साथियों, पहले पाइप से गैस गिने चुने शहरों में पहुंचती थी, लेकिन अब वही सर्विस फतेहपुर में शुरू हो चुकी है, बाकी जिलों में भी इसका विस्तार किया जा रहा है। यहां सीमेंट फैक्ट्री का काम भी शुरू हो गया है, इससे यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार मिलेंगे। हमारी सरकार ने एमएसएमई के लिए भी आसान लोन और क्रेडिट जैसी योजनाएं बनाई, उसका लाभ फतेहपुर के लोगों को हुआ है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस के 60 साल में आपने ये बदलाव कभी देखा था क्या? सपा के माफियाओं से आप इस विकास की उम्मीद भी कभी कर सकते थे क्या? साथियों, 20 मई को आपका एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। यूपी के विकास के लिए मोदी की हर गारंटी पूरी हो, इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बीस मई को कौशाम्बी से भाई विनोद सोनकर जी, फतेहपुर से साध्वी निरंजन ज्योति जी और बांदा से आरके सिंह पटेल जी को विजयी बनाइए। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, मतदान ज्यादा कराओगे, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ोगे, पोलिंग बूथ जीतोगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।